तो ये देखिए दोस्तों, हमारा वो ज़रूरी सामान जो कि आ चुका है, और ये है हमारा वार्डरोब, यानी कि हमारा वुडन वार्डरोब। हमने ये चीज़ बहुत ज़रूरत थी इसकी घर में, क्योंकि जो कपड़े थे वो हम अपने रैक्स पे रखते थे, और रैक्स खुला होने की वजह से ना उस पर डस्ट आ जाती थी कपड़ों पे। तो अगर आपने 2-3 दिन में कपड़े धोए धुले हुए यूज़ कर लिए तो ठीक है, नहीं तो अगर वो 10-15 दिन अगर प्रेस किए हुए कपड़े भी रखे रहते थे ना, तो उन पर भी डस्ट आ जाती थी। तो इस वजह से ये लेना बहुत ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पे अलमारी हमारी आ चुकी है, और ये लकड़ी की है, पूरी पूरी वुडन है, और काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है। हमारी फैमिली के हिसाब से सारे कपड़े हम लोग के आ जाते हैं। तो देखिए इसमें सब अलग अलग इसमें जो सेक्शन है वो बने हुए हैं। तो ये पूरा देखिए, इसमें सब में लॉक का भी अलग अलग सिस्टम है। तो ऊपर के 3 शेल्फ हैं, फिर 2 नीचे ड्रावर हैं, फिर नीचे की 2 शेल्फ्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वार्डरोब है, और इसमें से जो सामने है इसमें कांच भी लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें से सब दिखता भी रहता है और क्लोथ्स वगैरह। और 2 ड्रावर हैं तो अच्छे हैं, एक ड्रावर पांडे जी ने ले लिया, एक ड्रावर मैंने ले लिया है, और सब में ही लॉक सिस्टम है, ऊपर के रैक्स में भी और नीचे में भी, ड्रावर में भी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इसके नीचे रखने के लिए यहाँ पे हमने ये जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है ना वो बिछा दिए, ताकि इस पर मतलब स्क्रैच वगैरह ना आए और ठीक रहे और देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पे ये हमारी अलमारी जो है, इसकी बहुत ज़रूरत थी हमें, क्योंकि कपड़े जो थे वो मैनेज नहीं हो पा रहे थे अच्छे से रखने के लिए। जब भी नए क्लोथ्स हैं पांडे जी के या ऑफिस के क्लोथ्स हैं, तो आयरन करके रखे होते थे ना, तो उनके ऊपर डस्ट आ ही जाती थी, 1-2 दिन 3 दिन में ना उस पर डस्ट आ जाती थी। तो बंद होना अलमारी, बंद अलमारी की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर हमने इसको हमारा ये आ गया है। और यहाँ पे देखिए, रैक्स पे मैंने इस तरफ पर्दा लगा के जितने भी मतलब बैग्स में जो विंटर के अभी कपड़े पड़े हुए ना, वो सारे उधर रख दिए हैं, और जो अभी समर्स के हैं तो निकाल के अलमारी में रख दिया है, और इसी में से यूज़ करेंगे। और यहाँ साइड में देखिए, आप देख सकते हैं ये सर्दी वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, मोटे मोटे से ओढ़ने वाले, तो ये जो ब्लैंकेट्स हैं इनको मैंने लगा के इस तरीके से रख दिया है। इनके लिए भी व्यवस्था कर दी, वहाँ पे तो ऊपर टांड था ना, तो वहाँ पे हम रख देते थे, तो ऊपर रहता था तो चूहों वूहों से भी कोई डर नहीं रहता था, और अपना सीज़न आता था तब निकालते थे। बट यहाँ पे टांड नहीं बना हुआ है ना, ऊपर कोई शेल्फ नहीं बनी हुई दीवार में, ना ही कोई कबर्ड वगैरह बना था, तो फिर इसको यहीं पे रखना पड़ा। और चलिए आपको दिखा देती हूँ, मेरा वार्डरोब ट्यूर करा देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो सेल्फ है, या जो सेक्शन कह सकते हैं, इसमें पांडे जी, इसमें 3 शेल्फ्स बनी हुई हैं। तो सबसे ऊपर वाला सेल्फ में पांडे जी का सारा क्लोथ्स है, बीच में यहाँ पे द्रोही का है, क्योंकि ये द्रोही की हाइट पे आता है तो आराम से इजीली अपना ले लेती है, और उसके नीचे वाला है तो उसमें मैं रखी हूँ मेरे कपड़े। तो इस तरीके से यहाँ पे द्रोही के सारे समर वेयर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, एक तरफ सारी पैंट लगा दी, एक तरफ टॉप्स लगा दी, एक तरफ टी शर्ट लगा दी है, तो इस तरह से लगा दिया है। नीचे यहाँ पे मेरे हैं, और मेरे सब यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, और इधर वाले सारे कुर्ते जो हैं सब आयरन करने के लिए रखे हुए हैं, जो अभी हुए नहीं हैं, बट मैंने ऐसे फोल्ड करके इसमें लगा दिया अच्छे से, बाद में करती रहूँगी तो रखती रहूँगी। तो इस तरीके से ऊपर की ये शेल्फ्स थी, और ऊपर भी इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है, देखिए इसको लॉक किया जा सकता है। और हालांकि हम इसमें ऐसे ही लगा के, चाबी ऐसे ही लगा के रखते हैं, लॉक नहीं रखते, इसमें चाबी लगी ही रहती है। और नीचे के यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं, और ये देखिए इसका ये फुल लुक आता है इस तरह से। तो यहाँ साइड में हमारे रैक्स हैं, जिन पे कि बाकी एक्स्ट्रा जो सामान है वो हमने रख दिया है, क्योंकि घर में ना कोई भी अलमीरा और वार्डरोब नहीं बना हुआ है दीवार में। तो जैसे रेंट के लिए बनाते ना देते हैं, तो अलमीरा वगैरह ज़रूर बना देना चाहिए, क्योंकि हर बंदा, हर किसी के पास हर सामान इतना लोड लेके नहीं घूमता है। तो यहाँ पे नहीं था, तो फिर हमें ये मजबूरी में हमारा लेना ही पड़ा। और देखिए यहाँ पे ना, चलिए ये पांडे जी का जो है ये लॉक है, क्योंकि पांडे जी इसमें अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखे हुए हैं, तो द्रोही उनसे खेल ना ले, इसलिए वो लॉक रखते हैं। और ये दूसरा वाला ड्रॉर जो है इसमें मेरा है, और उसमें द्रोही ने भी अपनी देखिए चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि जो कलर्स वो यूज़ नहीं करी अभी, नए हैं जो प्रोजेक्ट के लिए वो लेके आई हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हॉलीडेज होमवर्क का सारा ये सामान इसमें ही इसने डाल दिया है। एक्चुअली मैंने ही कह दिया था कि डाल दो, क्योंकि द्रोही इसको सबको खोल खोल के निकाल के यूज़ कर लेती और ख़राब कर देती, इसलिए मैंने कहा कि लॉकर में डाल दो, तो डाल के और लॉक कर देती हूँ, तो द्रोही नहीं खोल पाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये ड्रॉअर है, इसमें मैंने कुछ अपनी
चीज़ें रखी हुई हैं। और नीचे का ये सेक्शन देखिए, यहाँ पे भी बाकी जो एक्स्ट्रा जो कपड़े और जो सामान है, जैसे कि यहाँ पे मेरे मेकअप का और बैंगल बॉक्स मेरा और ये सब कुछ मैंने इधर लगाया। इधर ध्रुवी की जो ड्रेस वगैरह भी, छुट्टी चल रही है तो मैंने यहीं लगा दी है कि जब छुट्टियों के बाद निकालूंगी तो वो कपड़े मैंने इसे पैक करके रख दिए। और इधर मेरी साड़ी, और ये मेरी सिंगल साड़ी, यहाँ पर मैंने साड़ी कोई लाई ही नहीं हूँ इस बार, अब जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो मैंने कहा जाते ही कहाँ साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने नहीं लाई थी। और इधर नीचे बेडशीट वगैरह इसमें, तो इनमें यही रखा हुआ है सारा सामान। तो इस तरीके से मेरा वार्डरोब था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में। तो फुल लुक जो है मेरी वार्डरोब का या अलमीरा का कह सकते हैं, वुडन वार्डरोब का, तो इस तरीके से है दोस्तों। और कैसा लगा है आप लोगों को बताना ज़रूर। आज आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और कलर भी बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी मतलब गंदा वगैरह नहीं होगा। और इसकी क्लीनिंग करते रहो तो कुछ इस तरीके से मेरी सारे जो कपड़े वगैरह जो भी है, तो ये दो रैक्स हम अपना लेते आए थे कि एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।